भाई मेरा नाम है विपुल सामने है भाई। ये आप देख रहे हैं महिंद्रा का बीस्ट 4x4 ब्लैक कलर में हार्ड टॉप डीजल टॉप मॉडल खड़ा है भाई यहाँ सामने ब्लैक कलर में। भाई ब्लैक कलर को मेंटेनेंस बहुत रखना पड़ता है वरना देखो ये सब होता है। तो भाई इस टाइम तो बिल्कुल ये गाड़ी स्टॉक है महिंद्रा की इस टाइम। भाई इसकी प्राइसिंग भी आपको प्राइसिंग जो है इसकी भाई डिफरेंट कर सकती है वेरी टू वेरी। वैसे तो भाई 18.5 लाख टॉप मॉडल की कीमत जाती है, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा इसकी पर्टिकुलर डीलरशिप की जहाँ पर जिस डीलरशिप पे खड़ी है उसकी यहाँ पे क्या प्राइस निकलती है भाई। तो बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन भी आपको स्क्रीन पे आपको, तो भाई इस तरह की इसकी डायमेंशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। अगर मैं बात कर लूँ तो भाई नॉर्मल हमें यहाँ पे हैलोजन लाइट ही मिलती है, कोई LED सेटअप यहाँ पे नहीं मिलती, बिल्कुल रॉ गाड़ी है महिंद्रा ने बना रखी है। बीच में महिंद्रा का बड़ा बड़ा आपको यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे है बोनट खोलने का ऑप्शन जो कि भाई मैंने सुना है काफ़ी रिस्की रहता है, ये ओपन भी हो जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर हमें मिलता है, ये अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक में हमें यहाँ पे दिए गए हैं। इसमें हमें फॉग लाइट भी यहाँ पे ऑफर हमें करे गए हैं भाई। इस तरह का रेडिएटर हमें यहाँ पे बिल्कुल शो होता है, थोड़ा मैट ब्लैक में प्लास्टिक यहाँ पे दी गई है। थार इसमें इस गाड़ी में आप ये देखना थार कितनी जगह लिखा हुआ है 11। और ग्राउंड क्लियरेंस का अगर बात करो तो इतना हमें इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि भाई काफ़ी शानदार है इस गाड़ी की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को। यहाँ पे भाई एसेसरीज लगती हैं लेकिन फिलहाल वो यहाँ पे एसेसरीज यहाँ पे इसमें नहीं लगी हुई हैं। टायर्स देखो भाई, पहले कंपनी क्या करती थी, पहले स्टार्टिंग में थार में हाईवे टेरेन टायर देती थी लेकिन बाद में इसमें ओल्ड टेरेन टायर देने शुरू कर दिए। टायर साइज़ की अगर मैं बात कर लूँ तो ये लिखा है भाई 255, 65 और 18 इंचज़ के हमें इस तरह मैट सिल्वर मेटल ब्लैक के हमें एलोय व्हील इसमें मिलते हैं। 5 स्पोक इसमें हमें एलोय व्हील मिलते हैं। यहाँ पे फेंडर पे इंडिकेटर टॉप मॉडल में भी, ये देखो यहाँ पे भी थार लिखा हुआ है, यहाँ पे भी थार लिखा हुआ है। लेकिन भाई इसके वाइपर्स देखो, इसके वाइपर्स बहुत शानदार है भाई, एकदम आपको यहाँ पे क्लीन कर देते हैं ये वाइपर्स पूरे आपकी विंडशील्ड को। इस तरह का यहाँ पे थार लिखा हुआ है भाई, पूरा देसी देसी सा जुगाड़ है ये देखो, नट बोल्ट से पूरे। ये रहा उसका ORVM बड़ा सा भाई तकड़ा सा, लेकिन ये तो है ना, ये थोड़े भाई इसकी क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। ये बहुत ही चीप क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हमारा लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे हमें दिया गया है। यहाँ पे एसेसरीज का पार्ट लगता है लेकिन वो फिलहाल नहीं लगवा रखा है। मैट ब्लैक में हमें पीछे हार्ड टॉप इसका दे रखा है। ये हमारा पिलर इतना बड़ा यहाँ पे मिरर हमें दिया गया है। 4x4 की बेजिंग। पीछे से अगर मैं बात कर लूँ तो भाई इस तरह की हमें इसकी बैक लुक यहाँ पे मिलती है, ये बहुत सही लगता है इसके टायर पे यहाँ पे जो कलर यहाँ पे हुआ हुआ है भाई। नीचे ये देखो, ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की बेजिंग हमें इसमें दी गई है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसका 5th जो स्पेयर टायर है वो भी हमें एलोय ही मिलता है, स्टील रिम नहीं मिलता। यहाँ पे LED सेटअप इसके यहाँ पे दी गई है, बैकलाइट बीच में सेंटर में थार लिखा हुआ। इस तरह की हमें होगी इसकी डिग्गी ओपन। भाई काफ़ी लोग बोलते हैं गाड़ी प्रैक्टिकल नहीं है, भाई ये गाड़ी फैमिली पर्पज़ के लिए है ही नहीं तो आप इसको प्रैक्टिकल क्यों बोलोगे। अब कोई मारुति 800 में 8 बंदे बिठाने लगे कि हाँ प्रैक्टिकल नहीं है तो वही बात होगी भाई। थार है, रफ एंड टफ गाड़ी है, कहीं भी ले जाओ इसमें आप जिस जो इसकी एबिलिटी है वो पूरा भरपूर करके दिखाएगी। इस बजट में कितनी तकड़ी ऑफ रोडिंग दे रही है महिंद्रा आपको, ये तो देखो आप, प्रैक्टिकल नहीं है ये, नहीं है ये, कितनी चीप क्वालिटी। अरे भाई फिर आप प्रीमियम क्लास में चले जाओ ना गाड़ी में, तो आप 1 करोड़ के चले जाओ वो भी आपको फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं कर देगी। इस तरह का हमें मिलता है भाई इसका बूट स्पेस छोटा सा यहाँ पर हमें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे इसका लॉक अनलॉक का बटन यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है। डिफोगर इसमें हमें मिल जाता है, वाइपर हमें टॉप मॉडल में नहीं मिलता, डिफोगर हालांकि हमें इसमें यहाँ पे मिल जाता है। ये टिल्ट गियर भाई काफ़ी हार्ड, जिसकी टायर की वजह से काफ़ी भाई वेट इसमें होता है भाई। डीजल की बैजिंग ये शोरूम वाले ही यहाँ पे डीजल लिख के दे चुके हैं। इस तरह का हमें यहाँ पे मिल जाता है इसका एंटीना हमें यहाँ पे मिल जाता है। ये MHawk 130 BHP इसकी पावर ओवर इसके इंजन का नाम यहाँ पे हमें लिखा हुआ है। तो इस तरह के मिल जाते हैं हमें यहाँ पे मड यहाँ पे, ये बहुत ज़रूरी है भाई, गाड़ी बहुत ऊंची है ना तो चढ़ने के लिए ये तो भाई बिल्कुल ही हमें इसमें चाहिए ही चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो भाई इस तरह का मिलता है गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी की हालत थोड़ी खस्ता हुई है भाई। इस तरह का मिलता है भाई हमें इसका इंटीरियर। अगर मैं डोर ट्रिम की बात कर लूँ तो नॉर्मल हमें डोर ट्रिम इसमें मिलता है, कोई यहाँ पे ये भी हार्ड है ये भी हार्ड, कोई सॉफ्ट टच हमें यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है, थार की पैचिंग हमें यहाँ पे दी गई है, ये भी हमें यहाँ पे कोई क्रोम का यूज़ नहीं मिलता। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स फोल्डेबल्स नहीं है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स हमें यहाँ पे मिरर साइड मिरर हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे एक बोतल होल्डर्स, ये देखो भाई बिल्कुल वही बोलेरो वाला देसी देसी सा जुगाड़। जब गाड़ी इस चीज़ के लिए बनी है तो भाई क्या करेंगे, यहाँ पे हमें हाइड्रोलिक्स देंगे, इस तरह का भी यहाँ पे लगवा रखा है भाई। भाई अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। इस तरह का हमें यहाँ पे हील होल्ड असिस्ट ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह के यहाँ पे हेडलाइट से कंट्रोल्स कुछ बटन हमें यहाँ पे दिए गए हैं भाई। इस तरह का मिल जाता है हमें इसका स्टेयरिंग, यहाँ पे कुछ स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल, 180 तक की इसकी मार्किंग यहाँ पे भाई गई हुई है।
इसमें मिल जाता है हमें टच स्क्रीन जो कि सपोर्ट करेगी एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले। भाई थोड़ी सी प्रीमियम तो बनाई है ये, पहले वाली महिंद्रा से पहले ज्यादा रफ टम थी। इसका टॉप मॉडल वो बनाया है जो कि रफ एंड टफ भी है और थोड़ा सा आपको भाई प्रीमियम क्लास भी हमें यहाँ पे दे देगी। एसी वेंस पे हमें क्रोम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ने का ये दिया गया है। क्लब बॉक्स की बात कर लूँ तो भाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया क्लब बॉक्स। क्रूज कंट्रोल भी हमें इसमें मिल जाता है। ये रहा हमारा 4x4 लगाने का गियर इन बॉक्स। अब इस टाइम 2H पे है, 4H, और अब अगर हमें 4H पे लगाना है, इसको नीचे प्रेस करके ये लग गया 4H, और हमें इसको दोबारा लगाना है तो हमें इसे नीचे दबा के आगे करना पड़ेगा भाई। अब 4H अभी लग चुका है भाई इसके 2H में। आर्म रेस्ट हमें इस पर नहीं मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है तो क्रोम का बोतल होल्डर्स, क्रोम फिनिश यहाँ पे हमें मिल जाती है। पावर विंडो के स्विच ऑटोमेटिक है जो तो ऑटोमेटिक की है, हमें यहाँ पे गियर बॉक्स यहाँ पे मिलेगा। हजार्ड लाइट के ऑप्शन, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB सॉकेट, ऑक्स, यहाँ पे हमारे कुछ AC के कंट्रोल्स, ये सारे सेम कंट्रोल्स तो भाई स्टैंडर्ड है महिंद्रा की गाड़ी में। आपको स्कॉर्पियो हो गई, XUV700 हो गई, इस तरह के फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भाई बोतल होल्डर्स का काफ़ी बड़ा है भाई। और अगर मैं डेथ पेडल्स की बात करूँ तो इस गाड़ी में हमें कोई डेथ पेडल यहाँ पे ओपन नहीं किया गया है। ये हमारा ब्रेक और ये हमारा भाई इसमें यहाँ पे एक्सीलेटर हमें दे रखा है। बोनट भाई बिल्कुल आपको VIP वाली लुक आती है, बोनट पूरी लुक होता है, इस तरह की हमें मिलती है यहाँ पे। ऊपर से हमें यहाँ पे कोई टिकट होल्डर देखने को नहीं मिलता। इस तरह हमें एक मिरर जरूर मिल जाता है बिना लाइट के। सिंपल सा हमें एयरबैग मिलता है, कोई स्मार्ट एयरबैग इसमें नहीं मिलता। प्लास्टिक जो यहाँ पे यूज़ करी गई है तो भाई बिल्कुल जो है ऑनेस्टली बात है थोड़ी चीप सी लगती है, ज़्यादा हाई इसमें नहीं है। ये देखो भाई महिंद्रा की थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे रखा है। यहाँ पे हमें LED मिलती है भाई, ये अंदर की लाइट हमें LED सेटअप हमें मिलते हैं, हैलोजन लाइट मिलते हैं, एडजस्टेबल हमें इसमें हेडरेस्ट जरूरी यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर जो है, स्पीकर की आप देखो पोजीशन कहाँ है, एक स्पीकर ये रहा, एक स्पीकर ये रहा, और पीछे के बस दो बंदे कम्फर्टेबल बैठ सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। दो बंदे यहाँ पे बिल्कुल कम्फर्टेबल यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो भाई गाड़ी बहुत ऊंची है इस हिसाब से। और अगर मैं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की मैं रह गया कि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊं तो भाई इसमें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट जो आपको मिलता है वो ओनली टिल्ट इसमें एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे भाई मिलती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हमें भी दी गई है भाई। पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ ना मिलके पावर विंडो के स्विच आपको मीटर कंसोल में मिलते हैं, जो कि एक कॉस्ट कटिंग है भाई, कॉस्ट बचाने के लिए महिंद्रा ने सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे थार की बैजिंग में हमें दी गई है। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ जो उस गाड़ी को कहते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है, वो किस वजह से नहीं है। जो उस गाड़ी के अंदर जाते हैं ना, तो इस गाड़ी को अंदर जाने के लिए आपको ये सीट ऐसे यहाँ पे सीट आपको एडजस्ट करनी पड़ती है भाई। लेट मी चेक। तो भाई ये सीट हो चुकी है जाम। तो पीछे का देखो इस तरह का हमें रियर स्पेस मिलता है जो कि भाई ठीक है, डिसेंट है। तो भाई ये थी एक मेरी छोटी सी वीडियो महिंद्रा थार ऑटोमेटिक डीजल टॉप मॉडल के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।